दोस्तों आज के दिन की शुरुआत करते हैं कुछ मीठे से। पहले तो मैं मीठा ही बनाने जा रही हूँ, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये रेडी मिक्स जो गुलाब जामुन का मार्केट में अवेलेबल होता है। और देखते हैं कि पैकेट में जिस तरह से ये पिक्चर दिखाते हैं, क्या हमारे इसी तरीके के गुलाब जामुन बनकर तैयार होते हैं या कुछ फ़र्क होता है। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले ले रही हूँ मैं भगोनी में पानी। पानी मैंने 3 गिलास लिया है और पैकेट जो मैं ले रही हूँ उसका हाफ क्वान्टिटी यूज़ करने वाली हूँ। और ये मैं बॉईल होने के लिए पानी रख रही हूँ यहाँ पर, ताकि इससे चाशनी बन सके। और चाशनी इधर बनेगी, उधर हम गुलाब जामुन के मिक्स को अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो गुलाब जामुन का पैकेट जो है मैं दिखा रही हूँ, ये मुझे MRP था 205 और हाफ KG का पैकेट है। इसमें ऊपर बहुत अच्छी तरीके से स्टेप्स समझाए गए हैं, आप इन स्टेप्स को पढ़कर बहुत आसानी से गुलाब जामुन बना सकते हैं। और इनकी जो शक्ल सूरत निकल कर आती है बाद में, तो वो कुछ इस तरह से आनी चाहिए। तो चलिए हम ट्राई करेंगे कि हमारे रसगुल्ले इस तरीके से बने हैं या नहीं, और अगर बन जाते हैं तो बहुत ही अच्छा। तो इधर मैं पैकेट के बारे में आपको बता रही हूँ, और हमारा पानी बॉयल हो चुका है। तो अब मैं डालूंगी इसमें चीनी। चीनी आप स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, मैं इसकी चाशनी थोड़ा पतली रखने वाली हूँ। और अगर आप एक तार दो तार की बनाना चाहें, दो तार तो वैसे ठीक नहीं लगता, आप एक तार की ही बनाएं और उसी में काफ़ी मीठा हो जाता है। और सामान मैं ले रही हूँ थोड़ा सा किशमिश जो इसके बीच में लगाऊंगी, और दूध ले रही हूँ और घी ली है हथेली में लगाने के लिए। दूध इसमें जो डायरेक्शन लिखा हुआ है उसके अनुसार आपका 1 से 1.5 गिलास तक लग जाएगा। तो आटा गूंथ लेते हैं। आटा गूंथने के लिए मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध मिक्स करना शुरू किया है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको कि ये जो आटा मैंने जब लगाया, तो आटा शुरू में तो मुझे लगा कि बहुत आसानी से जैसे हम रोटी चपाती का तैयार करते हैं उस तरीके से तैयार हो जाएगा। पर इसकी दिक्कत ये आती है कि ये जब आप गीला कर लेते हैं तो ये पूरी तरीके से उसमें चिपक जाता है प्लेट में और आपके हाथ में। उसको छुड़ाने के लिए आपको स्पून या किसी नाइफ की हेल्प लेनी पड़ती है, जिसे आप खुरच खुरच के पूरी तरीके आटे को इकट्ठे में लपेट लेते हैं, तब जाकर ये इस तरह का सॉफ्ट डो तैयार होता है। और इसको मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया था, उसके बाद इसे बॉल बनाने तैयार किए। छोटे छोटे आप साइज अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो इस बॉल के बीच में मैंने एक एक किशमिश लगानी शुरू करी है, और इसमें जो लिखा है उसके हिसाब से इस तरह की एक दरार नहीं आनी चाहिए। जब आप बनाते हैं तो दरार नहीं होनी चाहिए, दरार की वजह से हमारे जो गुलाब जामुन है फ्राई करते वक्त फट जाएंगे। बाकी जो अगर बच भी गए तो चाशनी में बेकार हो जाते हैं डालने पर। तो इनको मुझे तब तक गोल करना है जब तक कि इनकी सरफेस बिल्कुल चिकनी ना हो जाए, और जब हम फ्राई करें तो उसमें फटने के कोई चांसेस ना बचे। तो यहाँ पर हमारी सरफेस इसकी चिकनी हो गई है इस तरह से चारों तरफ से, और हम इस तरीके से ही एक एक करके बाकी के बॉल तैयार करते जाएंगे। और जब सारे बॉल इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं एक पैन में चढ़ा दूंगी तेल, और इसे बहुत ही मीडियम आंच पर इसको फ्राई करना होता है चारों तरफ से। चाशनी भी इधर हमारी तैयार है, तो चाशनी को मैं उतार कर एक किनारे ढककर रख देती हूँ। इस तरीके से पानी में चेक कर रही हूँ, एक लेयर अगर पानी के नीचे बन जाती है तो मतलब कि चाशनी तैयार हो चुकी है। और मैं ले रही हूँ फ्राई पैन में इधर रिफाइंड, और जो गोले हैं मैंने बनाकर रख लिए हैं पहले से, इन्हें आपको पहले से ही रखना होता है बनाकर। तो यहाँ पर पहले मैं एक चेक करती हूँ कि तेल गर्म हो गया नहीं, तो तेल अच्छे से गर्म अभी नहीं हुआ है, और इसे मैं थोड़ा सा घुमा घुमा कर और तेल को इसके ऊपर डालकर इस तरीके से फ्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये अगर फ्राई हो जाए तो उसके बाद मैं बाकी के देखती हूँ कि ज़्यादा संख्या में मैं इसमें फ्राई कर पाऊँगी या नहीं। आसानी से कर सकते हैं इसे। तो इस तरीके से ये हमारा पहला गुलाब जामुन बनकर तैयार होने वाला है। और इसकी साइज़ में भी फ्राई करते करते काफ़ी आप फर्क महसूस करेंगे कि जो आपने साइज़ डाला था ये उससे ज़्यादा बड़ा हो चुका है। दोस्तों मैं इस बीच जब तक फ्राई कर रही हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे आने वाली घंटी दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलिए। तो ये जो पहले वाला रसगुल्ला मैंने निकाला था ये थोड़ा सा डार्क हो गया, मैं इससे थोड़ा लाइट निकालना चाहती थी पर मेरे मुताबिक कलर नहीं आया। पर कोई बात नहीं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे कलर में रसगुल्ले होते रहते हैं, कोई डार्क और कोई लाइट ब्राउन रह जाता है। तो मैं इसी तरीके से कुछ डार्क और कुछ लाइट निकालने की कोशिश करती हूँ, पर देखने में तो लाइट ही अच्छे लगेंगे, क्योंकि फिर अगर हम डार्क कर देंगे तो जो पिक्चर दिखाई गई है पैकेट पर शायद वो ना आ पाए। इस वजह से यही सोचकर मैंने इसको लाइट फ्राई करना शुरू किया है। और इस तरीके से ये देखिए हमारे थोड़े से लाइट, पहले वाले से थोड़ा मैंने शेड लाइट लिया है,
और यहाँ पर इसको निकालेंगे और सारे मैं चाशनी में डालूंगी और ढकती रहूंगी इसे, ताकि इसके अंदर चाशनी भर जाए जब तक कि हम बाकी के फ्राई करेंगे। तो तीन तीन चार चार करके मैं फ्राई करके सारे रसगुल्ले इस चाशनी में डाल दूंगी। और चाशनी हमारी कुछ कम सी लग रही है क्योंकि ऊपर के कुछ रसगुल्ले मेरे उसमें डिप नहीं हो पा रहे थे, और इन्हें मैंने 10 मिनट में तैयार कर लिया। और इसको मैं अभी दिखाने वाली हूँ आपको एक प्लेट में निकाल कर, तो किस तरीके से लग रहे हैं ये मैं दिखाती हूँ, और क्या कमी इसमें रह रही है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ अपने इस वीडियो में। तो मुझे थोड़ा जल्दी थी दिखाने की, मैं दिखा रही हूँ ये कुछ चार रसगुल्ले पांच निकाल कर, पर मुझे ये साइज अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा, शायद मुझे दोबारा से इसमें चाशनी और बनाकर ऊपर तक डिप करनी पड़ेगी। इनको अभी थोड़ा चाशनी पीना है और आधे घंटे लिखा है उसमें टाइम, तो मैं पूरा टाइम दूंगी ताकि ये पूरी तरीके से चाशनी में तैयार हो। तो मैंने अभी पूरा टाइम भी नहीं लिया इनको बनाने के लिए, आपको 5 मिनट में ही दिखा दिए हैं, तो इसलिए मैं दोबारा से चाशनी भर देती हूँ, फिर आधे घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये वाले रसगुल्ले जो है मेरे आधे घंटे के बाद निकाले हैं मैंने, और भी चाशनी डाल देने के बाद, और बिल्कुल फुल साइज में बड़े रसगुल्ले बिल्कुल वैसे ही बनकर तैयार हुए, और खाने में बहुत टेस्टी थे, जैसा कि पैकेट पर आपको पिक्चर में दिखा बिल्कुल वैसे ही हैं ये। और जब कभी दिल हो आप इस मीठे का आनंद उठा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने दोनों को दिखा दिया एक साथ, बिल्कुल जैसा पैकेट पर बना है वैसा ही मैंने कटोरी में जो रसगुल्ला रखा है हूबहू सेम टू सेम ये लग रहे हैं एक जैसे ही, तो इनमें कोई फ़र्क नहीं है देखने में। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मैंने अपनी इच्छा से बनाया है सिर्फ चेक करने के लिए।